जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं शेर को पालने में खर्चा होता है, प्रधानमंत्री शेर हैं तो शेर को पालने में खर्चा होता है, इसीलिए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है 110 रुपया में बिक रहा है। 32 रुपया दाम है और बाकी का जो रुपया है टैक्स के रूप में आपसे वसूला जा रहा है, और वो पैसा आपके स्कूल के ऊपर नहीं, आप जिस सड़क पे चलते हैं उस सड़क के ऊपर नहीं, आपके घरों में जो बिजली आती है उस बिजली के ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री जी के सूट बूट के ऊपर खर्च किया जाता है। आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नए नए शब्द गढ़े गए हैं, जैसे मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े का पोस्टर लगा दिया है। हमने कहा कि देखिए हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे भाजपा का, इतना टुकड़ा करेंगे ना कि फिर ये फेविकॉल क्या फेविक्विक लगाने के बाद भी ये जुड़ नहीं पाएगा। आप सोच करके बताइए, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर को आज पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है वो किसके खिलाफ है? वो इस देश की बहुजन आबादी के खिलाफ है। आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे? अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे? जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? सरकार का सूटबूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है? 8,500 करोड़। और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है, 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई? तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि आज का जो सत्ता का मॉडल है वो वोट लेती है मेजोरिटी से और काम करती है मुट्ठी भर लोगों के लिए। आप देख लीजिए कि हमारी जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और प्रधानमंत्री जी के दोस्त का इनकम लगातार ऊपर जा रहा है। यह जो सिचुएशन है कि एक तरफ देश है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, प्रधानमंत्री जी देश की सारी संपत्ति अपने दोस्त को बेच देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि यह लड़ाई देश और दोस्त के खिलाफ है, यह लड़ाई बेचने और बचाने वालों के खिलाफ है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका हक और अधिकार किस बात में है। पल में तोला पल में मासा, ये तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1,00,000 बार बोलें आम है आम है आम है तो नारियल आम हो जाएगा? कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे, जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। कहते हैं ना, जो बनाता है उसी को दर्द होता है। महिलाएं इस बात को बखूबी समझेंगी कि जो मां
9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसको मालूम होता है कि मां बनना कितना मुश्किल काम होता है। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज के डेट में इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसका मुद्दा क्या है। सवाल किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल देश को बचाने का है। मैं बार बार आप लोगों से एक आग्रह कर रहा हूं, देश रहेगा तभी न राजनीति होगी। देश में लोकतंत्र रहेगा तभी न कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। देश की स्थिति यह है कि जिन्होंने देश बनाया, देश के लिए जान गंवाई, देश के लिए कुर्बानियां दी, आज उनसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जिन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, जो देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, आप मुझे बताइए राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना कौन सा राष्ट्रवाद है भाई। आज ये जो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। अक्सर हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या विकल्प है, भाजपा का क्या विकल्प है। मैं कहता हूं बीमारी का विकल्प नहीं इलाज होता है, और भाजपा का इलाज कांग्रेस है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप बचाना चाहते हैं तो मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं, इधर उधर की बात में मत फंसिए, प्रचार प्रचार होता है, इतिहास को याद कीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, हम लड़ेंगे अपनी आजादी की सुरक्षा के लिए, हम लड़ेंगे अपने संविधान की रक्षा के लिए, और इसको हर कीमत में बचाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो बिगाड़ने वाला होता है, बचाने वाला उससे बड़ा होता है। बेचने और बचाने की लड़ाई में बचाने वालों की जीत होगी। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं शेर को पालने में खर्चा होता है, प्रधानमंत्री शेर हैं तो शेर को पालने में खर्चा होता है, इसीलिए 32 रुपए लीटर का पेट्रोल जो है 110 रुपया में बिक रहा है। 32 रुपया दाम है, और बाकी का जो रुपया है टैक्स के रूप में आपसे वसूला जा रहा है, और वो पैसा आपके स्कूल के ऊपर नहीं, आप जिस सड़क पे चलते हैं उस सड़क के ऊपर नहीं, आपके घरों में जो बिजली आती है उस बिजली के ऊपर नहीं, प्रधानमंत्री जी के सूट बूट के ऊपर खर्च किया जाता है। आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नए नए शब्द गढ़े गए हैं, जैसे मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े का पोस्टर लगा दिया है। हमने कहा कि देखिए हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे भाजपा का, इतना टुकड़ा करेंगे ना कि फिर ये फेविकॉल क्या फेविक्विक लगाने के बाद भी ये जुड़ नहीं पाएगा। आप सोच करके बताइए, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर को आज पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, वो किसके खिलाफ है? वो इस देश की बहुजन आबादी के खिलाफ है। आप सोच करके बताइए कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे, अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे, जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे। और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे, ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को, सरकार का सूटबूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है, और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है, 8,500 करोड़, और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है, 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई, तो सुरक्षा
प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी